शाम के समय ना अगर समझ ना आए कि स्नैक्स में आप क्या बनाए, तो गाइस ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही फटाफट बनता है, बहुत ही क्विक और बहुत ही आसान रेसिपी है, घर में रखी हुई सामग्री से तैयार हो जाती है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आवर फूडी मॉम, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त नितिका सिंह। तो चलिए बिना देर के इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब गेहूँ का आटा लिया है, ये नॉर्मल जो गेहूँ का आटा होता है ना वही है। तो ये बारीक मोटा जो भी है आपके पास गेहूँ का आटा, 1 कप के करीब हमें ले लेना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मिक्सिंग बाउल में डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैं चावल का आटा डाल दूंगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, इसमें 2 चम्मच के करीब आप सूजी भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि 1/2 चम्मच के करीब अजवाइन डाल दें, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, 1/2 चम्मच के करीब ज़रूर डालें। 1/2 चम्मच के करीब यहाँ पर साबुत जीरा डाल दें, जो तड़के वाला जीरा होता है ना साबुत जीरा वही। फिर स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दें। इसके बाद यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब मैंने कूटी हुई काली मिर्च डाली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश कूट के भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी को थोड़ा सा रब करके डाल दें, और यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब यहाँ पर चिली फ्लेक्स या चिली पाउडर डाल दें। फिर इसके बाद थोड़ा सा सिर्फ कलर के लिए हल्दी डालना है हमें, और यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च को छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिए वो डाल दें, और 1/2 इंच से 1 इंच के करीब अदरक को इस तरह से कद्दूकस करके डालें, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेश, अगर आप कद्दूकस करके डालेंगे, नहीं तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश कद्दूकस करते हैं ना गाइस, उसका फ्लेवर कुछ अलग से निखर के आता है। इन सबको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक घोल तैयार करना है। मैं आपको उसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ कि किस तरह से हमें इसका घोल तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही डालें, नहीं तो क्या है ना, एक बार में नहीं डालें, नहीं तो जो हमारा घोल है वो पतला हो जाएगा और फिर हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही हमें पानी डालना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं भी थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसका कंसिस्टेंसी जैसा मेरे को चाहिए इस तरह से चाहिए, तो इसी तरह से हमारा इसका कंसिस्टेंसी चाहिए। बस ऊपर से खूब सारा हरा धनिया डाल दें। तो गाइस ये जो रेसिपी है बहुत ही फटाफट बन जाती है, और घर में रखी हुई सामग्री आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई भी सामग्री मैंने यूज़ नहीं किया है जो हमें मार्केट से लाना पड़े, हमारे घर में रखी हुई ईजिली रेगुलर हम यूज़ करते हैं तो वो मिल ही जाती है। तो इन सबको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद बस यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें हमें यहाँ शैलो फ्राई करूँगी, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से 1-1 चमचा भर के मीडियम टू लो फ्लेम में हमें क्या करना है, इसको शैलो फ्राई करना है। तो इस तरह से डाल दें, और डालने के बाद बस ऊपर से थोड़ा सा ऑयल इस तरह से कर दें, इस तरह से कर दें, और ये हमारा देख सकते हैं कि बहुत ही कुरकुरा नाश्ता ये बनता है, बहुत ही फटाफट बन जाता है यकीन मानिए, और उतना ही टेस्टी भी बनता है। तो इस तरह से अलट पलट करके काफ़ी अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा भी जो हमारा जो नाश्ता है काफ़ी अच्छे से सेक रहा है, काफ़ी अच्छे से इस तरह से सेक लेना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारा कितना कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप इसी तरह से हमें अपना दूसरा बैच भी निकाल लेना है। तो आप इसे सुबह के भागम भाग में बच्चों के ब्रेकफास्ट में भी आप उसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता है, अगर आपको कुछ डिफरेंट खाने का मन करे तो आप इस तरह से ज़रूर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना दूसरा बैच भी हमने अपना तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा बैच भी कितना जल्दी फटाफट बनके रेडी हो गया है। तो गाइस ये देख सकते हैं कि हमारा कुरकुरा और टेस्टी नाश्ता 1 कप आटे से बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना कुरकुरा बना है, देखने से ही कितना कुरकुरा बना है। तो ये देख सकते हैं कि मेरा नाश्ता बनके हमारा तैयार है, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही डिफरेंट नाश्ता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये पकौड़ी कचौड़ी आप उन सबको भूलने वाले अगर आपने इस तरह से एक बार इस नाश्ते को ट्राई किया। तो गाइस फिर से याद दिला दूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देगा। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा रेसिपी कैसी लगी।